गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मुति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम श्री निखिलेश्वराय नमः। पंच उपचार पूजनम समर्पयामि। अनुज्ञान दे भगवान। ये अगले वीडियो की सीरीज में हम साथ साथ गायत्री मंत्रों से महाविद्या का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। गायत्री मंत्रों से बिल्कुल निर्दोष पूजन होता है, सारा का सारा आवरण पूजन का फल मिलता है। आप अपने यंत्र पे, शिवलिंग पे या तो मानसिक रूप से पूजन कर लीजिए। पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और सुयोग्य पात्र को थोड़ा बहुत दान भी देना चाहिए और घर में भी धूप दीप वो सब करना चाहिए। जब हम अपने गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु बोलते थे अपने गुरु से कि हे गुरु, मैं और मेरे शिष्य साथ साथ तेरे सामने बैठें और पूजन करें और तू मेरा और मेरा शिष्यों का ध्यान रखना। हम अपने गुरु को कहते हैं लेकिन गुरु पृथ्वी सिर्फ सद्गुरुदेव स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं और हम लोगों की धारा में वही पूजे जाते हैं, वही पूजने योग्य है और हम लोग तो माध्यम है। मैं गुरु नहीं हूँ फिर भी मुझे आज्ञा दी गई है कि पूजन करना कराना। आप मुझसे मित्रवत मेरे साथ पूजन करिए, उतना ही फल मिलता है, उतना ही लाभ मिलता है जितना साथ साथ पूजन करने से या गुरु के सानिध्य में रहने से। लेकिन आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको अपने गुरु मिल जाएंगे और जब गुरु मिल जाते हैं और गुरु और शिष्य की युति हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है, तृप्ति मिल जाती है। यही गुरु तत्व के साथ चलिए हम साथ साथ पूजा करते हैं।